हमने किया था आर अपवर्ड एंड आर डाउनवर्ड, जो कि आपकी 13 एंड 14 एक्सरसाइज तक है। उसके बाद आएंगे आपके ग्रामोलोक्स, फिर आपने करनी है 15 और 16 एक्सरसाइज। ग्रामोलोक्स से सबसे पहले हमारा पुटका, पुटका ग्रामोलोक जो है पी का बनेगा। ये पी मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि लाइट है कॉन्सोनेंट हमारा, लाइट ये हमारी आउटलाइन बनेगी ग्रामोलोक्स की पुटकी। ऐसे आप एक पेज पे पहले पुट लिखेंगे, पूरी उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके आपको ये आउटलाइन लर्न होगी। ग्रामोलोक्स को आपने ऐसे लर्न करना है पुट। फिर आता है आपका बी, बी की आउटलाइन कैसे बनेगी। बी की ही आउटलाइन है टच द लाइन, ये हो गया आपका बी। फिर आता है टू बी, टू बी कैसे बनेगा, इस बी को हम कट द लाइन लिख देंगे, वो हमारा हो जाएगा टू बी। आता है उसके बाद एग्जाम ग्रामोलोक आपका अगला इट, इट की आउटलाइन है हमारी टी की टच द लाइन, टी की आउटलाइन है टच द लाइन लाइट वॉवल लाइट कॉन्सोनेंट हेड, हेड जो है हमारा डी है, डी को आप अबव द लाइन लिखेंगे वो हो जाएगा हमारा हेड। डू की आउटलाइन बनेगी डी ही है टच द लाइन, डी की आउटलाइन है टच द लाइन, डी आपने डी ऐसे लिखना नहीं है, ये सिर्फ मैं इसलिए बता रही हूँ तो आपको आपको ये पता चल जाए कि लाइट है या ये डार्क है, क्योंकि बुक में जो है प्रिंट में कभी लाइट और डार्क का नहीं पता चलता। उसके बाद ए की आउटलाइन है डिफरेंट और डिफरेंस की, डी को हमने कट द लाइन लिख देना है, ऐसे आपने प्रैक्टिस करनी है, डी को कट द लाइन लिख देंगे वो आपका बन जाएगा डिफरेंट एंड डिफरेंस। इसके बाद आता है मच, मच को आपने चे की आउटलाइन है अबव द लाइन लिखना है चे, विच आएगा आपका इसी को ही आप टच द लाइन कर देंगे वो आउटलाइन बन जाएगी आपकी विच की। ग्रामोलोक्स आपने बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, ये नहीं हो कि हम पुट की पुट आ गया आपका डिक्टेशन में, आप उसको जो है बी लिख रहे हैं, आपकी सारी डिक्टेशन की जो है ट्रांसक्रिप्शन ही गलत हो जाएगी। आपको ग्रामोलोक्स बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है डिप्थोंग्स एंड ट्राइफोन्स का, वो हम कल करेंगे। ओके।